नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरल लाइफ में। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो है उन लेडीज और गर्ल्स के लिए जो चाहते हैं अपने डार्क अंडरआर्म्स को गोरा बनाना। ज्यादातर लड़कियों की यही डिमांड रहती है कि वो अपने अंडरआर्म्स को कैसे लाइटन और ब्राइटन करें ताकि वो आराम से स्लीवलेस पहन सके और हाथ ऊपर नीचे करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अंडरआर्म्स को गोरा बनाने का आसान और 100% इफेक्टिव तरीका। मैं जो रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो 100% नेचुरली है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि एक ही बार में आपके अंडरआर्म्स गोरे हो जाएंगे, ब्राइटन हो जाएंगे। लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करते हैं या फिर हफ्ते भर भी यूज करते हैं तो 100% आपके अंडरआर्म्स गोरे हो जाएंगे, लाइटन ब्राइटन हो जाएंगे। अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी, आपको स्वेटिंग की बदबू की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। अगर आपको अंडरआर्म्स में जलन या खुजली की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी खत्म होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम देखते हैं कि ऐसा क्या करना है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको लेना है एक एलोवेरा लीफ। मैंने यहाँ पर एलोवेरा लीफ का यूज किया है। अगर आपके पास एलोवेरा लीफ है तो आप उसी का यूज करें, अगर आपके पास नहीं है तभी आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा के लीफ को वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एलोवेरा के लीफ को किस तरह से कट किया है। एलोवेरा के लीफ के ऊपर आपको अब 4 से 5 बूंदे कोकोनट ऑयल की डालना है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेसन। अब गीले टॉवल से अपने अंडरआर्म्स को पहले क्लीन कर लीजिए। इसके बाद इसे अपने अंडरआर्म्स पर इस तरह से रब करें जैसे कि मैं अपने हाथों पर दिखा रही हूँ। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी स्किन को रीजनरेट करता है और नए सेल्स बनाने में मदद करता है। एलोवेरा से आपकी स्किन 8 से 10 आवर्स तक हाइड्रेट रहेगी और आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आपको बदबू की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इससे पसीने और चिपचिपाहट से होने वाला इन्फेक्शन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का भी यूज किया है जो विटामिन ई से भरपूर होता है और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और सॉफ्ट बनाएगा। और बेसन भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये स्किन के ऊपर जमी हुई मैल को, डस्ट को और एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी स्किन पूरी तरह से डीपली नरिश होगी, क्लीन होगी, जिससे आपके अंडरआर्म्स एकदम गोरे, लाइट एंड ब्राइटन बनेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रब करते रहें, उसके बाद इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें और इसे टॉवल से क्लीन कर लीजिए। अब आपको एलोवेरा लीफ लेना है और उसे इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल टिप्स हैं जिसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपके अंडरआर्म्स के हेयर को रिमूव करने के लिए कभी भी हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल ना करें और डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें अल्कोहल आता है और अल्कोहल हमारी स्किन को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से भी हमारे अंडरआर्म्स डार्क हो जाते हैं। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो इसे आज अभी से ही बंद कर दीजिए। आप हेयर रिमूवल क्रीम की जगह पर एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, यह सबसे ज्यादा बेस्ट है। बस आपको इतना सा ही करना है और आपके अंडरआर्म्स बनेंगे लाइट एंड ब्राइटन। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर इसे शेयर कीजिए और आप अपने अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएँ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
और पास ही में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेगी फ्री में। दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में बेस्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।